संग जुड़ गया। रास्ते में चलते हुए अगर आप कहीं कूड़ा कचरा देखें, उसे आप कभी अपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखते, उसे उपेक्षा की दृष्टि से ही देखते हैं, इसलिए वो कभी आपके मन में याद रहता भी नहीं। याद वही चीज रहेगी जहां आपकी आसक्ति हो गई, या फिर कहीं मन में बहुत घृणा जाग गई, नफरत जाग गई। तो ये दोनों एक ही चीज के सिक्के के दो पहलू हो गए। जिससे घृणा है और जिसके प्रति बैर है वो भी हर समय याद आएगा, और जिसके प्रति बहुत आसक्ति है वो भी हमेशा याद आएगा, उठते बैठते चलते फिरते हर जगह याद आएगा। लेकिन न कहो कि दोस्ती, न कहो से बैर, फिर कोई याद आने वाला नहीं, फिर मस्तिष्क रिक्त रहेगा। और आप देखें तो आपके मस्तिष्क में संसार की स्मृतियों की और संसार के लोगों की भीड़ है, जो आपको एकांत में भी शांति से बैठने नहीं देती। दुनिया की बातें हैं, दुनिया की आवाजें हैं, दुनिया की कड़वी और मीठी स्मृतियां हैं। एकांत में जब भी आप बैठेंगे तो वो सब याद आएगा और आपको परेशान करेगा। किसी की बात को याद करके हंसोगे, किसी की बात को याद करके जलोगे, किसी की बात को याद करके घृणा आएगी, किसी की बात याद करके उसके प्रति आसक्ति जागेगी, किसी की बात याद करके आपको धन का ध्यान आएगा, किसी का लगेगा कि उस व्यक्ति ने मेरा बड़ा नुकसान किया, बदला लेने की भावना आएगी। एक संसार वो है जो आपको बाहर दिखाई दे रहा है, एक संसार वो है आसक्ति का संसार जो आपके मन पर बसा हुआ है, जो आपके अंदर चलता है। भले ही आप भीड़ में चले जाएं, भीड़ को देखते देखते आप अपने अंदर की तरफ नहीं देखते, बाहर देखते देखते हमेशा महसूस करेंगे कि जब भी आप भीड़ के बीच में होंगे तो अपने आप को अकेला महसूस करेंगे। लेकिन जैसे ही एकांत में जाकर बैठ गए, भीड़ में तो आप अकेले थे, लेकिन अकेले में बैठते ही आपके अंदर की भीड़ बाहर आने लगती है। आपके विचारों में, मस्तिष्क में, स्मृतियों में न जाने क्या क्या भरा हुआ, वो सब चलने लग जाता है। और मन की आदत है पृष्ठ पेषण करना, पिसे हुए को पीसना। मन पर अगर कोई चोट लगी हुई हो तो आप देखेंगे कि बार बार मन उसी को रिपीट करेगा। कोई चीज आपको परेशान कर रही हो तो आप देखना बार बार मन उसी को आपके सामने लाकर रखेगा। चक्की में एक बार पीस दिया जाए तो आदमी कहता चलो पिस गया, आटा तैयार हो गया। लेकिन हमारा मन तो ऐसा विचित्र है, जिस आटे को पीस लेता उसे दोबारा फिर पीसेगा, तीसरी बार फिर पीसेगा, एक बार नहीं, दस बार नहीं, सौ बार नहीं, हजार बार पीसने को तैयार बैठा, उसका ऐसा रूप बना देगा कि वो बेकार की चीज बन जाएगी, दुखदायी बन जाएगी। बार बार दोहराता है मन, किसने अपमान किया हो आपका, फिर देखना जहां भी आप जाओगे मन आपका बार बार उसी चीज को लेकर के सामने आता जाएगा। ये आसक्ति का संसार है। आप अगर वहीं का वहीं छोड़ दें तो बात खत्म हो जाती है, और अगर उस पर दबाव डालना शुरू कर दिया, किसी ने ऐसा क्यों कहा, प्रभाव मस्तिष्क पर होता चला जाएगा। और विचित्र बात तो यह है, किसी ने आपको एक गाली दी होगी, मन पर चोट लग गई, अब मन उसको बार बार दोहरा रहा है, तो होगा क्या, आप खुद ही अपने आप को हजार गाली दे रहे हैं। उसने तो एक चोट लगाई, वो तो चोट लगाकर चला गया, अब आप बार बार उस घाव को कुरेद रहे हो, उसे और गहरा करते हो, उसे और ज्यादा बढ़ाते हो, और उस बढ़ाने का परिणाम ये है कि आप अपने एक नरक में उसकी अग्नि में हर समय जल रहे हो। ये आसक्ति का संसार है। भगवान कहते हैं इससे बाहर निकलो, योगस्थ हो जाओ, योगी बनकर के चलो, अनासक्त होकर चलो, कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है, कर्म करते चले जाओ। लेकिन संसार के फल की तरफ
कर्मों के फल की तरफ, मैं ये करने लगा हूं क्या लाभ होगा। ये भाषा ही वणिक की भाषा है, बणिए वाली भाषा है। जो कुछ किया तुरंत हम किसी व्यापारी की तरह से लाभ पाना चाहते हैं, उसी समय कामना करने लग जाएंगे। साधना में बैठेंगे क्या लाभ होगा, भक्ति करेंगे क्या लाभ होगा, सत्संग में जाएंगे लाभ बताओ क्या होगा, ऐसा करने से क्या लाभ होगा, सिर्फ लाभ की भाषा ही याद है। बर्नार्ड शॉ से किसी ने पूछा, आपने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी हैं, बुक्स पढ़ी हैं, आपको सबसे ज्यादा लाभ कौन सी बुक से हुआ। उसने भी व्यापारियों की भाषा बोली, उसने कहा और किसी बुक से इतना लाभ नहीं हुआ जितना चेक बुक से लाभ हुआ, चेक बुक ज्यादा अच्छी लगती है। ये भाषा ही अलग है, लाभ वाली भाषा। यहां हर समय कुछ ना कुछ आदमी कामना कर रहा होगा और लाभ ना हो व्यक्ति का मन टूटता है। उसी आदमी को प्रणाम करेंगे जिससे लाभ होता दिखाई दे, जो मतलब का आदमी है, और जिससे कोई स्वार्थ पूरा ना होता वो आपको प्रणाम करें, आप उसके प्रणाम का भी जवाब देने को तैयार नहीं हो। आदमी कहेगा काम का आदमी, इससे तो बात करनी पड़ेगी, दूर से जा रहा है, आप जाएंगे दौड़ करके उसे प्रणाम करेंगे और कहेंगे मन कर रहा था कि आपके दर्शन हो, मिल गए तो बड़ी खुशी हुई, सवेरे सवेरे महान पुरुषों के दर्शन हो जाए दिन बहुत अच्छा बीतता है। अब वो कहाँ का महान पुरुष है, सिर्फ इतना ही महान पुरुष है कि उससे कोई मतलब सिद्ध हो रहा है आपका। ये आसक्ति का संसार, और इस आसक्ति के संसार में निरंतर मनुष्य द्वंद में फंसता है। यह है चक्की जिसको कबीर ने कहा, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में बाकी बचानक होए। इसमें फंसा हुआ बंधा हुआ आदमी, जिससे मतलब सिद्ध हो रहा है उसके आगे दुम हिलाते हुए घूमेंगे, पीछे पीछे जा रहे हैं। मतलब सिद्ध ना होता हो उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। इस तरह का जो संसार है उसमें रिश्ते नाते भी बंधे हुए हैं। माता पिता से बच्चों की कामना पूरी हो रही है तो माता पिता का सम्मान हो रहा है, जिस दिन माता पिता ने कमाना छोड़ दिया अब माता पिता मांगने लगे बच्चों से, बच्चों की धारा बदल गई, अब ढंग बदल गया, अब उस माता पिता को बेकार का व्यक्ति समझते हैं। कोई भी रिश्ता हो स्वार्थ पूरा हो रहा है, रिश्ते की गरिमा दिखाई दे रही है। लेकिन अगर कर्तव्य भावना से कार्य करते चले गए तो फिर प्रत्येक सेवा, क्योंकि सेवा का मतलब ध्यान से समझना, परोपकार के लिए किया गया कोई भी कार्य सेवा है। कोई भी ऐसा कार्य जिसमें आपकी स्वार्थ वृत्ति नहीं, दूसरे के कल्याण की कामना अधिक है, वो सेवा है। और ऐसे सेवा के द्वारा सदैव शांति मिलेगी। और जिस सेवा में भी स्वार्थ जुड़ गया वो सेवा करते करते भी अशांति आने लग जाएगी, भले ही धर्म स्थल में जाकर सेवा करना, अगर स्वार्थ की कामना है तो कुछ न कुछ दिनों के बाद लड़ाई झगड़ा हो जाएगा किसी न किसी के साथ, समस्या आ जाएगी, मैं आगे आऊं उसको पीछे करूं। जब भी सेवा परार्थ की भावना से होगी, सेवा पूजा बन जाएगी, भक्ति बन जाएगी।